हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एम और ये इस सीरीज का पार्ट एट है आज की एम सीरीज का थीम है थियोरीज ऑफ मोटिवेशन सो लेट स्टार्ट दीडियो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड मोटिवेशन इज डिराइव फ्रॉम मोटिवेशन शब्द को किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है आपके ऑप्शन हैं ए लेटन बी इंग्लिश ग्रीक या डी फ्रेंच सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए लेटिन द वर्ड मोटिवेशन इज डिराज क्वेश्चन नंबर सेकेंड अ थियोरी सजेस्टिंग दैट पीपल आर मोटिवेटेड बाई अ हिराकी ऑफ नीड्स एडवांस्ड बाय किस थिंकर ने यह थियोरी दी थी कि लोग अपनी जरूरतों तो की एक हिराकी से मोटिवेट होते हैं Options are A. Douglas MacGregor, B. Arthur DeLittle, C. Abraham Maslow, or D. F. W. Riggs. The right answer to this question is option C Abraham Maslow. He gave the theory that people are motivated by a hierarchy of needs. Question number three The term self actualization was coined by सेल्फ एक्चुलाइजेशन को किसने क्वाइन किया था ए कर्ट गोल्डस्टीन ने बी इब्राहिम मैस्लो ने सी डगलस मैट्रेगन ने या डी विंसेंट रूम ने राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए कर्ट गोल्डस्टीन ही क्वाइन द टर्म सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दैट दिस टर्म वॉज क्वाइन बाय्राहम मैस्लो विच इज नॉट ट्रू क्वेश्चन नंबर फोर नेगेटिव मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन नेगेटिव मोटिवेशन का आधार क्या होता है ए फेयर बी रिवॉर्ड सी मनी या डी स्टैटस इसका राइट right आंसर है ए फ्यगेटिव मोटिवेशन जो है वो फेयर या डर पर आधारित होती है

मैस्लो की हिराकी ऑफ नीड्स को हम अच्छे से समझ चुके हैं अपनी ऑफ मोटिवेशन वाली वीडियो में तो इस थियोरी को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं तो मैस्लो की हिराकी ऑफ नीड्स के पांच हैं पर्सन ए का जो गोल है वो उनकी कौन सी नीड को रिफ्लेक्ट कर रहा है ए सोशल को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को फिजियोलॉजिकल एंड सेल्फ एस्टीम को या सेफ्टी को इसका राइट right आंसर होगा बी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज वेन जब आपके अंदर से इनर ड्राइव आती है टू डू वेल इन लाइफ तो वही इसका यहां पर आंसर होगा बिकॉज पर्सन एज गोल इन लाइफ इज ऑल्सो टू डू वेल इन ऑल आस्पेक्ट ऑफ लाइफ नेक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मैथलो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर ए हाई लेवल नीड्स बी मीडियम लेवल नीड्स सी लोअर लेवल नीड्स या डी फिजियोलॉजिकल नीड्स सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कौन सी लेवल की नीड्स है लोअर लेवल पे भी कैटेगराइज किया है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आर ए हाई लेवल नीड्स सो द राइट आंसर इज ए हाई लेवल नीड्स क्वेश्चन नंबर सेवन

मैस्लो की हिराकी ऑफ नीड्स का आपको प्रॉपर ऑर्डर याद रखने की जरूरत है और ये क्वेश्चन ना बहुत बार पूछा जाता है कि आप इन नीड्स को अरेंज कीजिए राइट आंसर इज बी फिजियोलॉजिकल सेफ्टी सोशल एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स नेक्स्ट क्वेश्चन एस्टीम नीड्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑफ नीड्स थ्री ग्रुप्स ऑफ नीड्स फोर ग्रुप्स ऑफ नीड्स और फाइव ग्रुप्स ऑफ नीड्स एस टीम नीड्स को फर्दर कितनी कैटेगरीज में सब डिवाइड किया गया है क्वेश्चन नंबर नाइन प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलॉमिटीज डेंजर एंड थ्रेट ऑ ए फिजियोलॉजिकल नीड्स बी सिक्योरिटी नीड्स सी सोशल नीड्स और डी एस टीम नीड्स तो नेचुरल कैलामिटीज डेंजर या थ्रेड के अगेंस्ट जो प्रोटेक्शन है वो इनमें से किस नीड्स में आता है इसका करेक्ट आंसर है बी सिक्योरिटी नीड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज डेंजर एंड थ्रेट जो है वो सिक्योरिटी नीड्स में आता है इसको सेफ्टी नीड्स भी बोला जाता है क्वेश्चन नंबर टेन द इमरजेंस ऑफ नीड्स इज अ डैश फिनोमिना Needs जो है जरूरतें जो हैं वो कैसे इमर्ज होती हैं सडनली एकदम से इमर्ज होती हैं रेपिटिटिव बार बार इमर्ज होती हैं सी ग्रेजुअली या समय के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम इमर्ज होती हैं या डी नन ऑफ तीस दिस इज एन एनालिटिकल क्वेश्चन द राइट आंसर इज सी ग्रेजुअल धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम इमर्ज होती हैं पहले एक पर्सन की नीड हो सकती है फिजियोलॉजिकल देन उसकी नीड हो सकती है सिक्योरिटी विद द पैसेज ऑफ टाइम जब उसकी फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं फिर उसकी नीड आ सकती हैं केयर लव एंड बिलोंगिंग फॉलोड बाय एस्टीम फर्दर लीडिंग टू द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स तो ये नीड्स ग्रेजुअली इमर्ज होती हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन हु द थियरीज ऑफ हर्सबर्ग एंड मैस्लो एज मेजर रॉन्ग थियरीज किसने हर्सबर्ग और मैस्लो की थियोरीज को मेजर रॉन्ग थियोरीज माना है ए वेबा एंड बर्डवेल बी बेसन बैरट सी डोनाल्ड शॉ डी माइकल नैश द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी माइकल नैश ही theories द थियोरीज ऑफ Maslow एंड मैस्लो एज मेजर रॉन्ग number क्वेश्चन नंबर Achieving द अचीविंग authored बाय अचीविंग सोसाइटी को किसने लिखा है ए विलियम आउकी बी एडविन लॉक सी डेविड मैकलेलिन डी डगलस मैक्रेको राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी डेविड मैकलेलिन और ये बुक कब पब्लिश हुई थी ईयर 1961 में नेक्स्ट क्वेश्चन एज पर द अचीवमेंट नीथ थियोरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक नीड दैट पीपल डिवेलप फ्रॉम देर लाइफ एक्सपीरियंस अचीवमेंट नीथ थियोरी के तहत इनमें से कौन सी ऐसी बेसिक नीड नहीं है जिसे लोग अपने लाइफ एक्सपीरियंस से डिवेलप करते हैं ए द नीड फॉर अचीवमेंट या अचीवमेंट की जरूरत बी द नीड फॉर पावर सी द नीड फॉर रिवॉर्ड या डी नीड फॉर एफिलिएशन तो अचीवमेंट नीड थियोरी में थ्री बेसिक नीड्स बताई हैं आपको यह बताना है कि इनमें से कौन सी बेसिक नीड नहीं है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी द नीड फॉर रिवॉर्ड अचीवमेंट नीड थ्योरी जिन थ्री बेसिक नीड्स की बात करती है वो है द नीड फॉर अचीवमेंट द नीड फॉर पावर एंड द नीड फॉर अफिलियन इट डजन टॉक अबाउट द नीड फॉर रिवॉर्ड सो नीड फॉर रिवॉर्ड हियर इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14. विच मोटिवेशन थियरी कॉल्स फॉर अ फेयर बैलेंस बिटवीन एन एम्प्लॉय इनपुट एंड एन एम्प्लॉय आउटपुट कौन सी ऐसी मोटिवेशन थियोरी है जो एक फेयर बैलेंस की बात करती है एक एम्प्लॉय के इनपुट और एक एम्प्लॉय के आउटपुट के बीच में ऑप्शंस हैं ए अचीवमेंट नीड थियोरी बी थियोरी जी सी एक्विटी थियोरी या डी गोल थियोरी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज Option C Equity Theory. This is the theory which calls for a balance between employees' input and an output. Question number 15 Who is the proponent of Equity Theory of Motivation? Equity Theory of Motivation ke supporter kaun hai? A. Edwin Locke. B. John Stacy Adams. C. Victor Vroom. Yadi. Herzberg.

उतना ज्यादा एक पर्सन हार्डवर्क करेगा उस गोल को रीच करने के लिए ए अचीवमेंट थियरी बी एक्विटी थियोरी सी गोल थियोरी या डी एक्सपेक्टेंसी थियरी तो इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ऑप्शन सी गोल थियरी गोल थियरी कहती है द हार्डर द गोल द मोर अ पर्सन विल वर्क टू रीच इट एंड इसे गोल थियरी बोला जाता है क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन द ऑथर ऑफ मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी इज मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी के ऑथर कौन है ए एब्राहम मैस्लो बी फ्रेडरिक्स सी डगलस मैक्रेगर या डी विंसेंट ब्रूम तो मोटिवेशन और पर्सनैलिटी के ऑथर हैं ए इब्राहम मैस्लो क्वेश्चन नंबर एटीन

फ्रेडरिक हर्सबर्ग मोटिवेशन फैक्टर्स आर कॉल्ड एज फ्रेडरिक हर्सबर्ग जो मोटिवेशन फैक्टर्स की बात करते हैं उनको किस और नाम से भी जाना जाता है ए ग्रोथ फैक्टर्स बी एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स सी मेंटेनेंस फैक्टर्स या डी इंट्रेंसिक फैक्टर्स इस क्वेश्चन का राइट right आंसर है ए ग्रोथ फैक्टर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन हाइजीन फैक्टर्स इन हर्सबर्ग टू फैक्टर थियोरी ऑफ मोटिवेशन तो इनमें से क्या हाइजीन फैक्टर्स में नहीं आता है अपनी theory of motivation में दो तरह की फैक्टर्स की बात करते हैं एक होते हैं हाइजीन फैक्टर्स और दूसरे होते हैं मोटिवेटर्स तो हाइजीन फैक्टर्स में से इनमें क्या नहीं आता है ए सैलरी बी वर्किंग कंडीशन सी कंपनी पॉलिसी या डी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका राइट right आंसर है डी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइजीन फैक्टर्स इन हर्सबर्ग टू फैक्टर थियोरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्ट है सेटिसफायर्स का या मोटिवेटर्स का तो यहां हर्सबर्ग की टू फैक्टर थियोरी से एक और क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है कि टू फैक्टर थियोरी का दूसरा नाम क्या है विच इज दी अदर नेम फॉर टू फैक्टर थियोरी ऑफ मोटिवेशन बाई हर्ज वर्क इस थियोरी का दूसरा नाम है मोटिवेशन हाइजीन थियोरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन अकॉर्डिंग टू मैक ग्रेगर द एग्जाम्पन दैट एवरेज ह्यूमन बींग ड नॉट इनहेरेंटली डिसलाइक वर्क इज मैक्रेगर अपनी किस मोटिवेशन थियोरी में ये अज्यूम करते हैं कि एक एवरेज ह्यूमन बींग जो होता है वो कार्य को डिसलाइक नहीं करता है या नापसंद नहीं करता है ए एक्स बी थियोरी वाई सी थियोरी जी और डी नन ऑफ तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी थियरी वाई थियोरी वाई कंसिडर्स दैट पीपल इंजॉय द चैलेंज ऑफ वर्क रादर देन डिसलाइकिंग वर्क तो इसमें एक और क्वेश्चन भी निकल के आ सकता है कि मैग्रेगर ने कौन सी थियोरी दी है

थियोरी वाई में वो एक पॉजिटिव आस्पेक्ट प्रेजेंट करते हैं और थियोरी एक्स में वो एक मैन को नेगेटिव बींग मानते हैं इसमें ये assume किया जाता है कि जो लोग हैं वो वर्क को डिसलाइक करते हैं उनके पास कोई एम्बिशन नहीं होता है और ना ही वो ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री डगल मैक्रेगर थियोरी एक्स रेप्रेजेंट ए क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट बी बिहेवियल अप्रोच टू मैनेजमेंट सी पार्टिसिपेटिव अप्रोच टू मैनेजमेंट या डी ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू मैनेजमेंट तो जो डगलिस मैग्रेगर की थियोरी एक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करती है कौन सी अप्रोच को रिप्रेजेंट करती है वो क्लासिकल अप्रोच टू तो मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करती है बी बिहेवियल अप्रोच टू मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करती है पार्टिसिपेटिव अप्रोच को रिप्रेजेंट करती है या ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को रिप्रेजेंट करती है इसका राइट आंसर है ए क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट डगलस मैकड्रेगर की थियोरी एक्स क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि ये दोनों ही थियोरी थियरी एक्स और क्लासिकल अप्रोच का मानना है कि जो एक पर्सन है एक ह्यूमन बींग जो है वो पैसे से मोटिवेट होता है तो इसलिए थियरी एक्स रेप्रेजेंट क्लासिकल अप्रोच टू मैनेजमेंट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोटिवेशन फैक्टर इनमें से कौन सा एक मोटिवेशन फैक्टर है ए वर्किंग कंडीशन बी सुपरविजन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी या डी हाइजीन। तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकी तीन जो हैं ए वर्किंग कंडीशन चाहे सुपरविजन या हाइजीन ये हाइजीन फैक्टर्स है ना कि मोटिवेशन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ओनली मोटिवेशन फैक्टर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएटेड विद इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इनमें से कौन सी थियरी सपोर्ट करती है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन और के गोल्स के इंटीग्रेशन को कि इंडिविजुअल का जो गोल है वो वही होना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है थियोरी जी थियरी एक्स थ्योरी वाई या थियोरी डब्ल्यू इसका राइट आंसर है theory Y। Question number 26, in theory X, communication and managerial functions is a downward, b upward, downward and upward, or d diagonal. The so, theory X में communication कैसा होता है? Downward होता है, कि ऊपर से नीचे की ओर, upward होता है, नीचे से ऊपर की ओर, या subordinates से supervisor की ओर? उनवर्ड एंड अपवर्ड या डी डायगनल विच इज फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू सबिनेट तो इसका आंसर है ए डाउनवर्ड थियोरी एक्स में जो कम्युनिकेशन होता है वो डाउनवर्ड होता है फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट होता है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन विच ऑफ द फॉलोइंग थियरी एसोसिएटेड विद द ट्रेडिशनल व्यू ऑफ डायरेक्शन एंड कंट्रोल इनमें से कौन सी थियरी एसोसिएटेड है जो ट्रेडिशनल व्यू होता है डायरेक्शन एंड कंट्रोल का यानी कि निर्देश देने का और कंट्रोल करने का पिछले क्वेश्चन से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि इसका आंसर क्या है ऑप्शंस आर थियरी डब्ल्यू थियरी एक्स थियरी वाई और थियरी जी इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी थियरी एक्स इसमें सुपीरियर जो होता है वो अपने सबोर्डिनेट को पूरी तरह से कंट्रोल करके रखता है क्योंकि इस थियरी का मानना है कि लोग जो हैं वो कार्य करना पसंद ही नहीं करते इसलिए उनको अच्छे से डायरेक्ट और कंट्रोल करने की जरूरत है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट एक्सपेक्टेंसी मोटिवेशन थियोरी इज एसोसिएटेड विद एक्सपेक्टेंसी मोटिवेशन थियोरी किस थिंकर से एसोसिएटेड है ए विक्टर जूम से बी इब्राहम मैस्लो से सी हर्सबर्ग से या डी डगलस मैकग्रेगर

गोल थियरी बी थियरी एक्सपेक्टेंसी थियरी या डी अचीवमेंट नीट थियोरी राइट आंसर इज ऑप्शन बी थियरी स्ट्रेंथ ऑफ बहुत अमेरिकन मैनेजमेंट एंड जैपनीज मैनेजमेंट सिस्टम और थियोरी जी किसके द्वारा दी गई थी विलियम ओ की द्वारा यहां लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि डगलिस मैग्रेगो ने थियरीजी दी है विच इज नॉट ट्रू

ये आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने मेरी थियरीज ऑफ मोटिवेशन वाली वीडियो देखी है उसमें मैंने एक्सपेक्टेंसी थियरी भी डिस्कस करी है द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी एक्सपेक्टेंसी इंस्ट्रूमेंटैलिटी एंड वेलेंस आर द थ्री कॉम्पोन ऑफ एक्सपेक्टेंसी थियोरी तो ये थी आज की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक थियरीज ऑफ मोटिवेशन उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू सो so मच आपका दिन शुभ हो